वेलकम फ्रेंड्स, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने YouTube चैनल पर। अज की इस वीडियो दे विच आपां करन जा रहे हैं जी एंटिटी प्री प्राइमरी पोस्टा दे लई इंपोर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन एंड हैल्थ पार्ट टू। जेकर तुसीं पार्ट वन देखना चाहते हो तो इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन दे विच उसका लिंक दिता गया है जी, उसते क्लिक करके देख सकते हो। आओ शुरू करते हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखना जी। अपना फस्ट क्वेश्चन है जी, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण आम तौर पर किस उम्र के बच्चों में पाया जाता है? प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन यूजली अकर्स इन चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप? तो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी ऑप्शन सी, 6 साल तो घट उम्र के बच्चों के पाया जाता है जी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। इस तरह अपनी ऑप्शन सी है जी बिल्कुल करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी, गर्भवती औरत नूं प्रतिदिन लगभग किन्ने प्रोटीन की लोड़ हुंदी है? वट क्वेंटिटी ऑफ प्रोटीन अ प्रैगनेंट वूमैन नीड्स इन अ डे? अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी ऑप्शन ए, 170 ग्राम, लगभग 170 ग्राम प्रोटीन की लोड़ पैंदी है जी गर्भवती औरत नूं प्रतिदिन विच। इस तरह अपनी ऑप्शन ए करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन लेंदे हाँ जी, हेठ लिखिया विचों पैम कारण बच्चों विच केड़ा रोग हुंदा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज़ कॉज्ड इन चिल्ड्रन बाय प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन? तो अपना इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जी ऑप्शन बी, मारासमस नाम का रोग हुंदा है जी पैम के कारण बच्चों के। इस तरह अपनी ऑप्शन बी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी, चैकअप दौरान बच्चे के शरीरक वाधे का आंकलन किस द्वारा किया जाता है? ड्यूरिंग अ चैकअप अ चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ इज एवेलुएटेड बाय? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जी ऑप्शन सी, वाधा चार्ट ग्रोथ चार्ट के नाल किया जाता है जी चैकअप दौरान बच्चे के शरीरक वाधे का आंकलन। इस तरह अपनी ऑप्शन सी करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन लेंदे हाँ जी, गर्भवती औरत विच आयोडीन की कमी कारण शिशु नूं केड़ा रोग हो सकता है? From which disease an infant suffers due to the deficiency of iodine in a pregnant woman? Important question है जी फ्रेंड्स, इस दा राइट आंसर है जी ऑप्शन डी, जड़ मानवता क्रैटरेटिनिज्म है जिहड़ा रोग, यह गर्भवती औरत विच आयोडीन की कमी कारण शिशु नूं हो सकता है जी। इस तरह अपनी ऑप्शन डी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी, शिशुआं नूं अक्खां की बीमारी अते लाग दे जोखम तो बचाने लई लोड़ हुंदी है? इनफेंट्स नीड दिस न्यूट्रिएंट टू प्रिवेंट आई डैमेज एंड एन इनक्रीज्ड रिस्क ऑफ इनफेक्शन। बच्चों नूं आई डैमेज अते इनक्रीज्ड रिस्क जिहड़ा इनफेक्शन दा उस तो बचाउण दे लई किहड़े विटामिन दी लोड़ पैंदी है जी? तां अपने इस क्वेश्चन दा राइट आंसर है जी ऑप्शन ए, विटामिन ए दी जरूरत हुंदी है जी। इस तरह अपनी ऑप्शन ए बिल्कुल करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लैंदे हां जी, विटामिन बी दियां किन्नियां किस्मां हन? हाउ मैनी काइंड्स आर देयर ऑफ विटामिन बी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जी ऑप्शन बी, 8 किस्मां हन जी विटामिन बी दियां। इस तरह अपनी ऑप्शन बी करैक्ट है जी। फ्रेंड्स, जेकर वीडियो वधिया लग रही होवे तां प्लीज़ इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करना जी। नैक्सट क्वेश्चन लेंदे हाँ जी, विटामिन ई की कमी कारण बच्चों विच केड़ा रोग हो सकता है? विटामिन डी डैफिशेंसी कैन कॉज डैश डिसीज़? तो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी ऑप्शन बी, सोका रिकेट्स नाम का जिहड़ा रोग है जी विटामिन ई की कमी कारण बच्चों के हो सकता है जी। इस तरह अपनी ऑप्शन बी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी, विटामिन बी वन का दूसरा नाम की है? वट इज़ अनदर नेम फॉर विटामिन बी वन? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जी ऑप्शन सी, थियामिन है जी विटामिन बी वन का दूसरा नाम। इस तरह अपनी ऑप्शन सी करैक्ट है जी। फ्रेंड्स, इतने नोट करने योग पॉइंट है जी, जिहड़ा थियामिन है जी विटामिन बी वन, इसकी कमी के नाल बेरी बेरी नाँ का रोग हो जाता है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी, तुसीं किवें पछाण करोगे कि कोई बच्चा लोहे की कमी तो पीड़ित है? हाउ वुड यू रैकोगनाइज अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम आयरन डैफिशेंसी? आपां किवें पछाण करांगे कि कोई बच्चा आयरन की जिहड़ी कमी है उस तो पीड़ित है जी? तो अपना राइट आंसर है जी ऑप्शन बी, जिहड़ी पेल स्किन हो जाती है जी, बच्चे की पीली चमड़ी हुंदी है। इस तरह इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी ऑप्शन बी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हाँ जी, हेठ लिखिया विचों केड़ी विशेषता चंगी सेहत नूं नहीं दर्शाउंदी? विच ऑफ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स डज़ नॉट रीप्रजेंट हैल्दीनैस? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जी
ऑप्शन ए गोरा रंग फेयर स्किन है जिहड़ी, यह विशेषता चंगी सेहत नूं नहीं दर्शाउंदी जी। इस तरह इस क्वेश्चन दे अकॉर्डिंग अपनी ऑप्शन ए करैक्ट है जी। बाकी दे जिहड़ियां करैक्टरिस्टिक्स ने उह चंगी सेहत नूं दर्शाउंदियां ने, जिवें कि चमकदार वाल, वधिया नींद। अगला प्रश्न लैंदे हां जी, ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲਾਲ ਲਹੂ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ B12, B12 ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਲ ਲਹੂ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੈਟ ਐਂਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 1:1:4 ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੀ, 1 ਹਿੱਸਾ ਚਰਬੀ ਅਤੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲਹੂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਲਹੂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਚਰਬੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਫਰੈਂਡਸ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ।